Assalamu alaikum everyone, my name is Muhtasa Naqvi and you are watching my YouTube channel. जिस चीज़ का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, यू ग्रेड तो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं और लास्ट डेट है 27th of September 2024. बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इवन व्हाट्सएप एंड ईमेल. डिफरेंट क्यूरीज हैं स्टूडेंट्स की, कुछ SOPs रिव्यू कराना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं. तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी. जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, तो आप अपने क्वेश्चंस की एक ही बार एक लिस्ट बनाएं जो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हैं, और वो सिंगल मैसेज में आप मुझे सेंड कर दें, या इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में भी सेंड कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस. और फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ना वो सारे क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूंगी. और बाज़ूकात ऐसा भी होता है कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अभी आ रहा होता है, अभी नहीं आ रहा होता, ठीक है, किसी और का आप देखते हैं ना वही क्वेश्चन. जैसे क्लास में टीचर्स भी यही कहते हैं कि आप दूसरों के सवालों से भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. सो वीडियो से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा. उसके अलावा आज की मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है ना, वो यू ग्रेड की प्रोसेस के बारे में बताना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की कि आप एक वीडियो बनाएं जिसमें आप बताएं कि यू ग्रेड का प्रोसेस होता कैसे, कैसे अप्लाई करते हैं. अच्छा, अगर मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में बताऊं कि एप्लीकेशन आप कैसे फिल करते हैं, क्या चीज़ें लिखते हैं, तो वो एप्लीकेशन अगर जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता होगा इट्स वेरी लेंथी. वो एप्लीकेशन फिल करने वाली मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसेस होगा. आज मैं आपको सिर्फ यू ग्रेड का प्रोसेस बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह. तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि एट दिस स्टेज आपको सिर्फ एप्लीकेशन से मतलब होना चाहिए, ठीक है. आपकी सिलेक्शन आपकी एप्लीकेशन पे बेस होगी. बाद में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, क्या नहीं होता, वो बाद की चीज़ें हैं, ठीक है. आपका टारगेट अभी सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा. फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि एट दिस स्टेज एप्लीकेशन स्टेज आपके पास पासपोर्ट बेशक ना हो, आपको पासपोर्ट चाहिए ही नहीं, आपको कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं चाहिए. हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसमें आपकी रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाएंगी, ठीक है. आपकी DMCs भी जिन्हें आप कहते हैं, आपने जितने सेमेस्टर्स पढ़े उनकी DMCs, मैट्रिक का आपका रिजल्ट और FSC का इंटरमीडिएट का रिजल्ट, और वो जो FSC और मैट्रिक का है ना वो होना चाहिए. जो फाइनल आपके थोड़े टाइम के बाद जो ट्रांसक्रिप्ट आती है ना ओरिजिनल बोर्ड की तरफ से, वो वाली. और जो आपकी ये DMCs है ना, इन्हें आपने अपने डिपार्टमेंट से, अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट भी करवाना है, ठीक हो गया. उसके अलावा सर्टिफिकेट्स, ठीक है. सर्टिफिकेट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं हमारे पास नहीं है. आपके पास दो चार भी सर्टिफिकेट्स हैं अगर, तो एटलीस्ट आप वो तो डालें ना अपनी एप्लीकेशन में. ओके जी, एप्लीकेशन फिर आप फिल करेंगे, और एप्लीकेशन के बाद क्या होता है, आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए. अब पहले तो ये होता था कि कोविड से पहले इस्लामाबाद में आपके इंटरव्यूज़ होते थे, और वहाँ पर आपको इंटरव्यू के साथ साथ वो आपसे एक एसे लिखवाते थे, ठीक है, कुछ नंबर्स का, आई डोंट नो कितने ऐसे लिखवाते थे, और वो फिर आपकी पर्सनल स्टेटमेंट से मैच भी करते हैं, मतलब आपकी सेंटेंस मेकिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह कुछ चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं. पर जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद चूँकि इंटरव्यूज़ ऑनलाइन होने लग गए, तो फिर उन्होंने ऐसे लिखवाने के बजाय क्या किया कि 1 मिनट वीडियो वाली एक चीज़ शुरू की कि आपको जब इंटरव्यू की मेल आती है, सिलेक्शन के बाद इंटरव्यू की मेल आती है, इंटरव्यू के साथ आपको मेल आती है कि आप एक 1 मिनट वीडियो बनाएं जिसमें आपने बताना होता है कि आप ही को क्यों सेलेक्ट किया जाए इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में से. तो वो चीज़ हो गई, ठीक है. फिर जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, फिर आपसे लैंग्वेज टेस्ट लिया जाता है TOEFL, जैसे कि जो इस्लामाबाद और इस्लामाबाद की करीबी सिटीज़ हैं वो इस्लामाबाद जाके देते हैं, फिर लाहौर के करीब वाले लाहौर, और कराची के करीब वाले कराची, मतलब ये 3 सेंटर्स होते हैं इस्लामाबाद, लाहौर और कराची. फिर जी उसके बाद क्या होता है,
अच्छा, अब टॉफल का ये है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होती है कि नहीं हमारा पता नहीं पास हो सकेगा नहीं हो सकेगा, तो इट्स ओके टॉफल, हाँ मेहनत आपको ज़रूर करनी चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, लेकिन टॉफल की बेसिस पे आपकी रिजेक्शन नहीं होती। मतलब आप अगर एक दफ़ा सिलेक्ट हो गए तो वो आपकी कैंसिल नहीं होती सिर्फ इसलिए कि आपके टॉफल में अच्छे मार्क्स नहीं आए या फिर मतलब फेल हो गया। फिर होता ही है कि आपको ना US में जाके एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाता है इंग्लिश का, लेकिन आपकी सिलेक्शन कैंसिल नहीं होती। और हाँ, मतलब जो आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलती है ना आगे, ये भी अच्छा, ये मैं क्वेश्चंस में भी एड्रेस करूँगी जो क्वेश्चंस वाली वीडियो होगी, पर फिर भी यहाँ भी बता देती हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं US में वो आप खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको IREX एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वही आपका प्रोसीजर सारा देखती है, और जो आपको यूनिवर्सिटी मिलती है उसी में आपने जाना होता है। अभी मेरा माइंड बहुत बन रहा है कि मैं आपके क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं कि मैं उनको एड्रेस करना शुरू करूँ, बट नो, वो मैं अलग वीडियो में बनाती हूँ, अलग वीडियो बनाती हूँ और उसमें आपके क्वेश्चंस मैं लेती हूँ, अभी बनाती हूँ बल्कि, ठीक है, और साथ साथ ही मैं अपलोड कर दूँगी थोड़ी देर में। तो ये था आपका UGRADE का प्रोसीजर, फिर आगे मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होता है, वो है मेडिकल रिपोर्ट्स और आगे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर मतलब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो एडवाइज़र्स होते हैं और फिर जो अलमनाई वगैरह होते हैं, आपको आगे किसी प्रोसेस में कोई मसला होगा ही नहीं, उनकी ईमेल्स ही इतनी क्लियर होती है ना, आपको सारी बात समझ आ जाती है। पर यहाँ पर आपका पॉइंट सिर्फ सिलेक्शन है, अभी आप अपना सारा फोकस अपनी एप्लीकेशन पे रखें, उसे बेस्ट फिल करें, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट पे काम करें, और जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आगे का प्रोसेस तो मुश्किल है ही नहीं, लेंथी है काफ़ी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो आराम आराम से हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है, सब लोग आपकी हेल्प करते हैं। जो लोग मुझे स्पेशली, बहुत सारे लोग जो मैसेज कर रहे हैं ना कि हमारी पर्सनल स्टेटमेंट प्लीज़ रिव्यू कर लें, ठीक है मैं कर भी लूँगी, पर एक चीज़, मैंने जो अपनी SOP के बारे में वीडियो बनाई है ना, उसका सोल रीज़न यही था कि आपको गाइड कर सकूँ। आप वीडियो देखते ही नहीं हैं, फिर मुझे SOP सेंड करते हैं, उसमें वही गलतियाँ निकलती हैं जो मैंने अपनी वीडियो में बताया होता है, वही बातें फिर मैं बताती हूँ। सो इट्स रॉन्ग, मतलब आप एक दफ़ा वीडियो देख लें, मैंने इसीलिए तब फिर अच्छा मुझे भी नहीं लगता ना कि मुझे बार बार वही चीज़ें रिपीट करनी पड़ी हैं। एक स्टूडेंट ने क्या किया कि मैंने कहा अच्छा आपने वीडियो देख के लिखी थी SOP, कहती है हाँ देख के लिखी थी लेकिन मैंने स्किप कर करके देखी थी, पर्पज़ क्या रह गया फिर। सो प्लीज़ आप पहले SOP वाली वीडियो देखें, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट खुद जज करें उस वीडियो देखने के बाद, और अपनी गलतियां निकाल के उसे ठीक करें, और जब आपको लगे कि फाइनल है मैं सिर्फ एक बार रिव्यू करूंगी, जो मुझे लगा कि ये चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगी, एक स्टूडेंट की मैं एक से ज़्यादा बार रिव्यू करने की पोजीशन में हूँ ही नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं, मेरी पर्सनल लाइफ भी है कुछ, मेरा अपना, मुझे थीसिस पे काम करना है, मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरी इंटर्नशिप रिपोर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। सो देर इज़ अ लॉट टू डू इन माई लाइफ टू, मतलब इसलिए मैं अगर आपको टाइम दे रही हूँ तो मेरा भी ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें, ठीक है। सो आई विश यू ऑल गुड लक, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे नज़र रखें, कोई भी मतलब चीज़ मैं वहाँ पर कोई अपडेट दे सकती हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक, थैंक यू सो मच।